नजदीक तभी तो भक्तों ने दिया भगवान शिव को पधारने का निमंत्रण और बेलव्यू हिंदू टेंपल में सुंदर तरीके से आयोजित हुई द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा। सभी भक्तजनों को बताते हुए बहुत ही अत्यंत हर्ष का अनुभव कर पा रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बेलव्यू हिंदू टेंपल में बड़े उत्साह, ऊर्जा, उमंग, विश्वास के साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा का आरंभ हुआ, प्रारंभ हुआ, शुभारंभ हुआ, जिसमें कि बहुत भक्तों ने, सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया और बड़े श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ भगवान द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सबने यथा अंश अपना योगदान और सहयोग भी प्रदान किया। जैसा कि आपको बताते चले, ये द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा को इस बार पंचम वर्ष पूर्ण हुए। जैसा कि बेलव्यू हिंदू टेम्पल की अपनी सभ्यता, परंपरा, आस्था और विश्वास, हर एक पर्व को, आयोजनों को बड़े उत्साह तरीके से आयोजित किया जाता है, जिसमें कि समस्त भक्तजन भाग लेते हैं। माघ मास तो अत्यंत उत्तम मास कहा गया है। आज माघ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस तिथि के दिन द्वादश ज्योतिर्लिंग की जो हम पूजा यहाँ कर रहे हैं, उसका फल हमारे यहाँ पर आगंतुक सभी श्रद्धालुओं को प्राप्त हो, उनके घर परिवार के लिए, सभी जनों के लिए पुण्य प्राप्त हो, और इस तरह की जो बुद्धि है, सद्बुद्धि है, इस तरह की प्रेरणा हम सभी लोगों को मिलती रहे। हर वर्ष हम इसी तरह का आयोजन करते रहे। ये मंदिर, हमारा मंदिर, ये पांचवें साल में द्वादश ज्योतिर्लिंग की महापूजा कर रहा है। हम द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा की जो पूजा करते हैं, स्पेशल उसका, इसके लिए हम करते हैं कि जब शिवरात्रि आती है, उसके 15-20 दिन पहले हम करते हैं, जिससे हम शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ को स्वागत कर सके। Devotees came in large numbers to participate in the yatra, जिन्होंने मिलकर पहले की ज्योतिर्लिंग की पूजा और फिर मंदिर की परिक्रमा और गुरु जी से प्रवचन सुन भी धन्य हुए devotees। जो मल्लिकार्जुन का दर्शन लेने, पूजन हवन मनन, पूजन दर्शन करेंगे, कभी भी उन्हें पुत्र रूप से अर्थात पुत्र के द्वारा किसी भी प्रकार का कष्ट का अनुभव नहीं होगा। ऐसा कहते हैं कि आज भी प्रत्येक अमावस्या को माता पार्वती और पूर्णिमा को भगवान शिव आज भी वहां पे जाते हैं और फिर भगवान को लोगों ने बारंबार प्रणाम किया और ऐसा कहते हैं कि वहां मल्लिका अर्जुन का दर्शन करने से कभी भी किसी भी प्रकार से संतति से नाराजगी का मुख नहीं देखना पड़ता। ये द्वितीय मल्लिका अर्जुन के बारे में ऐसा कुछ कहा गया। बहुत अच्छा, इन्होंने मंदिर ने आज कम्युनिटी गैदरिंग ऑर्गेनाइज किया है भगवान शिव जी की आरती के लिए और 12 लिंगों की पूजा। इट्स अ गुड अवेयरनेस फॉर हिंदू कम्युनिटी एंड वी ऑल मस्ट एम्ब्रेस व्हाट लॉर्ड शिवा हैज टू ऑफर एंड वी शुड रिस्पेक्ट our almighty। Jyotirlinga are the shrines where Lord Shiva is worshipped in the form of Jyotirlinga। और उन्हीं की आराधना करते हुए आयोजित हुई ये सुंदर यात्रा एवं ये सुंदर उत्सव। Well, that's all is coming around up today।